हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं कल्याणी आज फिर लेके आई हूँ एक ट्रेडिशनल बंगाली डिश। बहुत ही टेस्टी है ये, आप लोग ज़रूर देखिए। जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ली हूँ कच्चा चावल 1 कप जैसा। इसको बहुत अच्छे से वॉश करके मैं भिगो दूँगी इसको 1 घंटे तक। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है इसलिए थोड़ा ज़्यादातर तक भिगोना पड़ता है। देखिए इस तरीके से अच्छा से धो के मैंने भिगो दी। अब इसको तैयार होते होते मैं जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए आज मैं बना रही हूँ पेठे का पकौड़ा। उस दिन मैं इसके पत्ते का पकौड़ा बनाई थी, आप पेठे का बनाऊंगी पकौड़ा। तो सबसे पहले इसको मैंने धो लिया। धो के इसको हल्का सा छील लूँगी। पेठा जितना कोमल होगा उतना ही अच्छा होगा। बड़ा वाला से नहीं होता, जिसका बीज हो जाता है उसका नहीं बनता है पकौड़ा, पर इसका बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरीका हल्का हल्का छील लूँगी मैं। देखिए मैंने छील लिया। छील के जो एक फॉग लिया, चाहे आप कोई भी एक तिल्ली भी ले सकते हैं, जैसे सिलाई का होता है ना, ऊन बिनने का सिलाई होती है, उससे भी कर सकते हैं आप। मैं फॉग ले लिया। फॉग लेके इसको चारों तरफ ऐसे भोंकना है, कोई बर्तन में रख के गहरा करना है ये, ऐसे करके पूरा चारों पूरे में करूँगी मैं ऐसे ही करके। देखिए पूरे में हो गया, इस तरीके का करना है। और साइड का अभी तक मैं फेंकी नहीं, काट के फेंकूँगी लास्ट में। तो इस तरीके के करके अब इसको मैं, देखिए नमक है ना, नमक नॉर्मली नमक जो होता है, नमक ले लिया। थोड़ा सा ज़्यादा करके नमक इसके ऊपर डाल दूँगी। डाल के पूरे में नमक लगा के रख दूँगी। इसको भी 20 मिनट से आधा घंटा रख दूंगी, तो पूरा नमक अंदर घुस जाएगा जो। तो इसी वजह से इसको भी थोड़ा देर तक रख देती हूँ, 20 मिनट से आधा घंटा तक। मैंने जो चावल भिगाई थी, देखिए चावल बिल्कुल भीग गया। अब देखिए इसको मिक्सी के एक जार में लेके इसमें 2-4 हरी मिर्ची डाल के इसको पीस लूँगी। वैसे बेशक इसमें और भी कुछ डाल सकते हैं, पर मैंने सिर्फ हरी मिर्ची डाली हूँ, क्योंकि जो पेठे का खुशबू होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसका खुशबू अलग चला ना जाए, इस वजह से सिर्फ मैं हरी मिर्ची डाली हूँ पीसते टाइम। देखिए अभी जो मेरा पेठा में भी होके रखी थी बिल्कुल हो गया। देखिए कितना अंदर तक नमक घुस गया। अब इसको निचोड़ निचोड़ के इसका पानी पूरा फेंकूंगी। देखिए बिल्कुल नमक से मिला के इसलिए रखी थी, ताकि इसका सारा पानी मैं निचोड़ के निकाल दूँ। तो जितना पानी निकालेंगे उतना अच्छा होगा ये। देखिए इतना पानी मैंने निकाल दिया निचोड़ निचोड़ के। देखिए पूरा प्लेट भर गया पानी से। अब देखिए पानी निकाल के इसको सादा पानी से मैं धो लूँगी।
धो के फिर से नीचे उड़ूंगी, और नमक का पानी बिल्कुल अंदर ना रहे इस तरीके का करूंगी, फिर भी थोड़ा थोड़ा नमक रह ही जाता है। तब अब देखिए इसको एक इस कटिंग बोर्ड पे लेके मैंने काट दिया, देखिए बिल्कुल दोनों तरफ का काट के फेंक दिया। अब देखिए जितनी साइज का मुझे पकोड़ा बनाना है उसी हिसाब से काट लूँगी स्लाइस। जितना पतला काटेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं थोड़ा मोटा मोटा ही रखी हूँ, ये बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पतला भी बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल चावल का अलग सा लेयर आता है बिल्कुल मुँह में, और बहुत करारे बनता है, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनता है। फ्रेंड आप लोगों को इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोगों को अच्छा लगे तो बिल्कुल बता दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड आप लोगों के सहायता से मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो डाल सकती हूँ। मैं देखिए इस तरीके का काटना है, काट के ऐसी करना है। तरीके का काट लिया मैंने, देखिए जो मैंने चावल पीस के रखी थी उस पे मैं 2 चम्मच बेसन मिला दूंगी। अभी देखिए बड़ा चम्मच से 2 चम्मच बेसन मिला दूंगी। बेसन को मैंने छान लिया और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी इसमें। फ्रेंड ये देखिए ऐसे करके हल्दी भी मिला दिया मैंने, और बिल्कुल बिना गुटली रहे ऐसे करके मिक्स करना है इसको। और इसको चेक करने का तरीका मैंने पिछला वीडियो में भी बताई थी, उंगली में डाल के देखिएगा लेयर कैसे लगता है, उसी हिसाब से बनाइएगा। चलिए अब गैस की तरफ चले जाते हैं, मेरा सब कुछ तैयार हो गया। अब देखिए कढ़ाई में तेल गरम कर लिया मैंने, पेठे का पीस काटी थी उसको जो चावल का बेटर है उसके अंदर डिप करके फिर तेल में डाल दूंगी। तो तेल में डाल के इसको सीम आंच पे 5 मिनट एक तरफ पकाएंगे, 5 मिनट पलट के और एक तरफ पकाएंगे, बॉयल भी हो जाएगा पूरा और बहुत करारे बनता है ये। ऐसे बन गया मेरा पेठे का पकौड़ा। हम बंगाली लोग तो इसको चावल के साथ भी सर्व करते हैं, दाल चावल और साथ में पकोड़ा रहे तो क्या बात है। चलिए बन गया मेरा पेठे का पकोड़ा।